कहानी नंबर एक, देवताओं की शक्ति परीक्षा। देवताओं और असुरों में अक्सर पड़ती नहीं थी। आए दिन थोड़ी थोड़ी बातों में उनके बीच झगड़ा फसाद हुआ करता था। एक बार यह रंजिश बहुत बढ़ गई और दोनों ओर से जमकर लड़ाई की तैयारी हुई। देवताओं के राजा इंद्र ने अग्नि वायु आदि बलवान देवताओं की सहायता से डटकर असुरों का सामना किया। संयोग की बात, असुर सब के सब मारे गए। जो थोड़े बहुत बचे थे वह भी देश छोड़कर भाग गए। इस लड़ाई से देवताओं की धाक जम गई। चारों ओर उनकी वीरता की प्रशंसा होने लगी। यूं तो सभी देवताओं ने प्राण होम कर इस लड़ाई में वीरता दिखाई थी, पर अग्नि और वायु का तो इसमें बहुत बड़ा हाथ था। जो काम करता है वह नाम भी चाहता है। नाम का ही ऐसा लोभ होता है कि लोग जान की परवाह न करके बड़े से बड़ा काम कर डालते हैं। देवताओं को भी नाम खूब मिला। सारी दुनिया उनकी बड़ी तारीफ होने लगी। सारी दुनिया में उनकी बड़ी तारीफ होने लगी। ईश्वर को छोड़कर सब लोग देवताओं की ही पूजा करने लगे। इस मान प्रतिष्ठा को पाकर देवताओं को बड़ा घमंड हो गया। वह सोचने लगे कि अब दुनिया में हम लोगों से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। ईश्वर की पूजा में पहले वो बहुत मन लगाते थे, पर जब यह देखा कि सारी दुनिया हमारी पूजा करती है तो हमें किसी की पूजा करने से क्या लाभ। इस विजय गर्व में उन्मत्त होकर वह इतने गुमराह हो गए कि खुद अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करने लगे। पहले जहाँ वह सृष्टि के कण कण में परमात्मा का दर्शन पाते थे, वहाँ अभिमान के कारण दिखाओं पूजा पाठ करने पर भी उन्हें हृदय में परम ज्योति का दर्शन दुर्लभ बन गया। ईश्वर की सर्वशक्तिमान सत्ता का विश्वास उनके दिल से एकदम हट गया। वह स्वयं एकदम से असुर बन बैठे। भगवान को अपने भक्तों की सदा शुद्ध बनी रहती है। जैसे पिता अपने प्यारे पुत्र का अनभल कभी नहीं देख सकता, उसी तरह भगवान के मन में भी देवताओं के इस गर्व भावना की बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि यह सचमुच बेहोश हो गए हैं। अभिमान के नशे में यह कुछ भी नहीं बूझ रहे हैं कि वास्तव में हमारा क्या हो रहा है। अगर इन्हें समय रहते ही सचेत नहीं किया जाता तो इतने दिनों तक हमारी सेवा करने का इन्हें क्या फल मिलेगा। अगर मैं इस समय इनकी इस करतूत को सह लेता हूँ तो इसका नतीजा यही होगा कि यह सब भी असुरों की तरह नष्ट हो जाएंगे और इनके कारण सारी दुनिया फिर नरक बन जाएगी। विजय प्राप्त करके इतना घमंड इनमें जो आ गया है सो निश्चय ही सबका विनाश करके छोड़ेगा। जो बड़े होते हैं वे इस तरह विजय पाकर पागल नहीं बन जाते हैं, बल्कि उनमें और भी नम्रता आ जाती है। फल लगने पर पेड़ की डालें और भी नीचे की ओर झुक जाती हैं। इस तरह का विचार करके भगवान ने देवताओं का घमंड को दूर करने का इच्छा और एक अच्छा उपाय निकाला। सवेरे का सुहावना समय था। अमरावतीपुरी के नंदन वन में इंद्र का दरबार लगा था। सब देवता मारे घमंड के अपनी अपनी डींगे हाँकते हुए एक दूसरे से झगड़ रहे थे कि बीच आसमान से एक परम तेजस्वी यज्ञ पुरुष नीचे जमीन की ओर उतरता हुआ दिखाई पड़ा। उस समय दसों दिशाओं में चकाचौंध मच गई। देवताओं की चमकदार आंखें मूंदने सी लगी। यहाँ तक कि अग्नि भी, जो अपने तेज को बहुत सजा बजा कर बैठे हुए थे, उस तेज से मलिन बन गए। देवताओं की हंसी एकाएक बंद हो गई। सबकी अधखुली आंखें सामने दिखाई पड़ने वाले उस परम तेजस्वी यज्ञ पुरुष की ओर लग गई। उसके परम तेज से सबका चेहरा फीका पड़ने लगा। थोड़ी देर तक सभी चुप बने रहे और इस तरह देखते ही देखते देवराज इंद्र की सारी सभा में एकदम सन्नाटा सा छा गया। आखिरकार सब देवताओं ने उस परम तेजस्वी यज्ञ पुरुष के भेद को जानने के लिए अग्नि से बड़ी विनती की, क्योंकि वही सबसे अधिक तेजस्वी थे। पिछले महायुद्ध में उनकी वीरता की धाक सब देवताओं पर जम चुकी थी। थोड़ी देर तक अग्नि इधर उधर की टाल मटोल करते रहे, लेकिन जब देवता
देवराज इंद्र ने उन्हें बड़ी खरी बातें सुनाई तो मजबूर होकर उन्हें वहां से पता लगाने के लिए उठना ही पड़ा। बेचारे अग्नि मारे शर्म के उस तेजस्वी यज्ञ पुरुष की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे, किंतु थोड़ी दूर तक भी नहीं पहुंच सके कि उनका बुरा हाल होने लगा। आंखें एकदम बंद सी हो गई, सिवाय प्रकाश के जम्हाई के उनकी आंखों से वह यक्ष पुरुष की आकृति भी धीरे धीरे गुम होने लगी। तेज की भयानक गर्मी से उनका शरीर जलने लगा, पर क्या करते, मजबूर होकर समीप समीप तक तो जाना ही था। किसी तरह अग्नि उस यक्ष पुरुष से थोड़ी दूर पर पहुंच तो गए, पर वहां जाकर उनकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर तक आंखें बंद कर वह असहाय ताप सहन करते हुए किसी तरह खड़े रहे, और भगवान को दया आई। अपनी मंद मुस्कुराहट से आकाश और दिशाओं को उद्भासित करते हुए वह बोले, भाई तुम कौन हो? इस तरह यहाँ खड़े होने पर का तुम्हारा क्या मतलब है? अग्नि का तेज कभी इतना गला तो था नहीं। स्वर को बनावटी ढंग से गंभीर बनाते हुए उन्होंने कहा, मेरा नाम अग्नि है, कोई कोई मुझे जात बेदा भी कहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। भगवान ने जान लिया कि अग्नि का स्वर कितना बनावटी है और इससे घमंड की बू तनिक भी कम नहीं हुई है। दिल की बातें सामने लाने के लिए उन्होंने पूछा, भाई अग्नि, क्या मुझे यह बतला सकते हो कि तुम्हारा काम क्या है? अग्नि को उस तेजस्वी पुरुष की इन विनयपूर्ण बातों से बातों की ओर भी बनावट मिला। आंखों को खोलने की चेष्टा करते हुए उन्होंने कहा, सौम्य, क्या आपको अग्नि का पराक्रम मालूम नहीं है? मैं सारे संसार को पल भर में जला देने की शक्ति रखता हूँ। जमीन की तो बात ही क्या, आसमान में जितने तारे हैं वहाँ भी हमारे तेज से पल भर में ही नहीं ठहर सकते, पल भर भी नहीं ठहर सकते हैं। भगवान ने देखा कि अग्नि का दिमाग अभी ठीक नहीं हुआ है। जमीन से एक तिनका उठाकर उन्होंने अग्नि की ओर फेंकते हुए कहा, अग्निदेव, मैं सचमुच नहीं जानता कि तुम किस तरह किस वस्तु को जला सकते हो, इसलिए तुम इस तिनको को जलाकर मुझे तनिक अपना पराक्रम तो दिखलाओ। अग्नि से इतनी बातें कह भगवान ने अग्नि के शरीर से अपना तेजस्वी रूप भीतर ही भीतर अपने में खींच लिया, जिससे देखते ही देखते अग्नि का तेजस्वी शरीर निस्तेज हो गया। अपने पूरे पराक्रम को याद करके वह उस तिनके को जलाने के लिए तैयार हो गए, किंतु भीतर से उनकी हिम्मत टूट चुकी थी। वह तिनका जो अग्नि की एक गर्म उसास से राख बन सकता था, अभी उसी तरह अग्नि के सामने मानो उसका मजाक सा करता हुआ पड़ा था। अग्नि की सारी मानसिक चेष्टा निष्फल हो गई, पर तिनके का सिरा भी नहीं मुरझाया। देर होती गई पर तिनका ज्यों का त्यों बना ही रह गया। उधर उस तेजस्वी यक्ष पुरुष का तेज अधिक भयानक हो गया और निस्तत्व अग्नि का शरीर झुलसने लगा। फिर तो वह चुपचाप पीछे खिसक कर देवताओं के समीप वापस आ गए। उनकी आंखें नीचे की ओर धंस गई थी और चेहरे का पहले वाला तेज जाने कहाँ गायब हो चुका था। इंद्र समेत देवताओं ने देखा कि अग्नि एकदम मृतक के समान निर्जीव होकर उनके बीच में खड़े हैं, न बुलाने पर बोलते हैं और न कुछ खुद ही कहना चाहते हैं। उनकी सारी तेजस्विता नष्ट हो चुकी है, आंखें नीचे धंस गई हैं और तेजस्वी मुखमंडल पीपला और पीला पड़ गया है। देवराज ने अग्नि को अधिक परेशान करना ठीक नहीं समझा। सांत्वना भरी वाणी में स्नेह प्रकट करते हुए कहा, भाई अग्नि, कुछ बताओ तो सही, इसमें शर्म का क्या बात है? थोड़ी देर बाद बहुत सकुचाते हुए अग्नि का सिर नीचा करके बोलना ही पड़ा, देवराज, बहुत कोशिश करके भी मैं उस तेजस्वी यक्ष पुरुष का कुछ पता लगा नहीं सका। वह असुरों से भी भयानक है, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि उसका पता लगा सकूं। देव सभा में अग्नि की इन निराशा भरी बातों से गहरा आतंक छा गया, सब चुप हो गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद इंद्र ने वायु की ओर ताका। उस समय उनका भी बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि अग्नि के बाद अपनी वीरता का लंबी डिग हांकने वालों में वह भी एक थे। इंद्र
इंद्र की आंखों को अपनी ओर लगी देखकर वह दूसरी ओर ताकने लगे, पर राजा को इससे क्या, उसे तो क्या काम से लेना आता है, उसे तो काम लेना आता ही है। सभा की चुप्पी तोड़ते हुए देवराज ने पुकारा, वायु, मैं समझता हूँ कि तुम्हें उस तेजस्वी यक्ष पुरुष का पता लगाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम इस चराचर संसार के सभी जीवों में सबसे बढ़कर बलवान हो, तुम्हारे बिना कोई एक पल भी नहीं जी सकता। जाओ देखो तो वहाँ कौन है। देवराज अपने साथियों की इतनी तारीफ कभी करते नहीं थे। वायु का गिरा मन हरा हुआ हो उठा, वहां जाने को तैयार होकर आगे बढ़े, पर थोड़ी ही दूर जाने के बाद उस तेजस्वी पुरुष के तेज पुंज की ओर ताकना भी वायु के लिए बड़ा कठिन हो गया। किसी तरह कुछ दूर समीप चलकर वह भी खड़े हो गए, पर पूछने की हिम्मत बाकी न रह गई। दीन दशा में वायु को थोड़ी देर तक खड़ा रहने के बाद भगवान ने पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ आने का तुम्हारा मतलब क्या है? वायु को कुछ ढाढ़स हुआ, शरीर को कुछ सजीव बनाने की चेष्टा करते हुए उन्होंने कहा, सौम्य मेरा नाम वायु है, सारे संसार की जिंदगी मेरे हाथ में रहती है, क्या तुम मुझे जानते नहीं? सारी पृथ्वी की सुगंध मैं अपने में समेट कर बहता हूँ, इसी से कोई कोई मुझे गंधवाह कहते हैं। संसार की कोई भी वस्तु आसमान में नहीं चल सकती, पर मैं वहां भी बेरोक टोक चलता हूं, इसी से मातृस्वा नाम भी मेरा सब जानते हैं। इसी तरह मेरे अनेक नाम हैं, क्या आज तक तुमने मेरा एक नाम भी नहीं सुना है? मुस्कुराते हुए भगवान ने वायु के बनावटी चेहरे पर एक नजर डाली, उनका रहा सहा धीरज भी जाता रहा, आंखें एकदम मौत गई, नसों में सनसनाहट पैदा हो गई। भगवान ने कहा, भाई नाम तो मैंने तुम्हारा अवश्य कहीं सुना है, पर काम देखना चाहता हूँ, क्या तुम अपने काम के बारे में कुछ हमें बतला सकते हो? वायु को विश्वास हो गया कि जो मेरा नाम जानता है वह मेरी इज्जत भी करेगा, उसके सामने अपने कामों को दिखा देना ठीक ही है। स्वर को कुछ गंभीर बनाते हुए उन्होंने कहा, मैं इस सारे ब्रह्मांड को हिला सकता हूँ, आसमान के तारों और ग्रहों को गिरा सकता हूँ, इन पहाड़ों अथवा पेड़ों की क्या विसात है जो मेरे सामने थोड़ी देर भी टिक सके। यह सुनकर भगवान ने घमंडी वायु के शरीर को निस्तेज करते हुए अपना सारा तेज पल भर में खींच लिया, जिससे वह गिरते गिरते बचे, मगर एक बार डींग हाँक कर भागना भी सरल नहीं था। वह तिनका अभी भी उसी जगह पड़ा था। भगवान ने कहा, भाई यह जो तिनका तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है उसे उड़ाकर दूर तो कर दो, क्योंकि तभी मुझे तुम्हारी शक्ति पर कुछ विश्वास होगा। वायु ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, पर तिनका ज्यों का त्यों पड़ा रहा। उस समय वह हिमालय से बढ़कर भारी बन गया, उड़ना तो दूर उसमें कंपन भी नहीं हुआ। निश्चेष्ट वायु बड़ी देर तक बल आजमाते रहे, पर सब बेकार रहा। आखिरकार सिर नीचे करे चुपके से वह भी पीछे चले आए और चुपचाप आकर देव सभा में एक कोने में छिप से गए। देवराज ने वायु का उदास चेहरा देखकर सब ताल लिया। सारी देव सभा मूर्तियों की तरह निश्चेष्ट होकर बैठी रही। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद देवराज ने पूछा, भाई वायु वहाँ का कुछ हाल तो बताओ, इस तरह शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि अपनी शक्ति भर तुमने प्रयत्न किया होगा। वायु ने बिनत स्वर में कहा, देवराज वह अद्भुत तेजस्वी यक्ष पुरुष पता नहीं कौन है, मैं उसका कुछ भी भेद नहीं जान सका। वायु की निराश बातें सुन देवताओं के होश गुम हो गए। चीरो तो खून नहीं, जिस वायु और अग्नि के बल का उन्हें घमंड था जब उनका यह हाल हुआ, तो पता नहीं अब कौन सी नई विपदा आने वाली है। सभी बड़े सोच में पड़ गए। देवताओं के गुरु बृहस्पति बड़े बुद्धिमान और दूरंदेशी थे। अग्नि और वायु की घमंड भरी बातें उन्हें जरा भी नहीं सुहाती थी, इसलिए उन लोगों की इस अप्रतिष्ठा से उन्हें जरा भी अफसोस नहीं हुआ। अपने ऊंचे आसन से उन्होंने एक बार सबकी ओर नजर डालते हुए
इंद्र से कहा, देवराज, उस तेजस्वी पुरुष का पता आपको छोड़कर किसी दूसरे से नहीं लगेगा। कृपा कर आप ही जाकर उसका पता लगाइए और सबको निश्चिंत कीजिए। इंद्र विवश थे, लाचार होकर उन्हें खुद जाना पड़ा। देवता लोग मन ही मन बहुत दिनों बाद आज इस विपदा में पड़कर भगवान का ध्यान करने लगे। किसी तरह उस तेजस्वी यक्ष पुरुष के पास जब देवराज इंद्र पहुंच भी गए तो देखते क्या है कि वह तेज सारे आसमान और पृथ्वी की एक बारीक बारगी चकाचौंध करते हुए पता नहीं कहाँ गायब हो गया। पर उनकी आंखों में अब भी लाल पीला नीला हरा प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा था। थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद जब उनकी आंखें कुछ ठीक हुई तो देखने पर वहां ऐसा कोई भी चीज थी ही नहीं। बेचारे देवराज बड़े विस्मय में पड़ गए। कुछ भी हो, जिन्होंने देवताओं पर इतने दिनों तक शासन किया, परम बुद्धिमान तथा शक्तिशाली असुरों को हराया, वह इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हारते। उन्होंने समझ लिया कि सिवाय भगवान के और किसी दूसरे की करतूत यह नहीं है। वह समाधि में बैठकर ध्यान करने लगे। बड़ी देर तक ध्यान करते रहने के बाद उन्हें आसमान से फिर उसी तरह का तेज पुंज नीचे उतरता हुआ दिखाई पड़ा। पर इस बार वह तेज पुंज पुरुष रूप में नहीं था। अपनी एक सहस्त्र आंखों से ध्यान पूर्वक देखने पर इंद्र को पता लगा कि उसके सारे शरीर पर सोने के आभूषणों की शोभा विराजमान है। शरीर की कांति भी एकदम सोने की तरह दमक रही है। उन्हें हेम अवतार हिमवान पुत्री पार्वती का ध्यान आया। सचमुच वह वही थी। समीपाकुम गंभीर मुद्रा में इंद्र की ओर देखते हुए खड़ी हो गए। देवराज इंद्र भी सहम कर समाधि से उठ खड़े हुए और सादर झुककर प्रणाम किया। थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद इंद्र ने विनय भरे स्वर में पूछा, आप सारे संसार की जननी हैं, भगवान शंकर की आधार स्वरूप हैं। आपसे इस चराचर संसार में कोई भी वस्तु अज्ञात नहीं है। अभी थोड़ी ही देर हुई है, यहीं पर एक परम तेजस्वी यक्ष पुरुष दिखाई पड़ा था। मैंने अग्नि और वायु को उसका भेद जानने के लिए भेजा था, पर वह निराशा लौट गए, कुछ भी नहीं जान सके। अतः मैं निरुपाय होकर मुझे स्वयं आना पड़ा, मगर समीप आते आते वह जाने कहाँ विलीन हो गया। आप उसे अवश्य जानती होगी, कृपया उसका भेद बतलाकर मेरे मन का विस्मय दूर कीजिए। जगदम्बा को अपने पुत्र पर दया क्यों न आती। अपने मुखचंद्र के हास्य रूप अमृत से इंद्र के मुरझाए हुए चेहरे को सींचती हुई वह बोली, वत्स, वह यक्ष पुरुष कोई साधारण पुरुष नहीं था, वह साक्षात ब्रह्म था, जिसका भेद अग्नि और वायु क्या बता सकें। सारे संसार में ऐसा कोई नहीं है जो उसका भेद जान सके। वही सबका उपकार करता है और सबका विनाश भी करता है। अच्छे काम करने वाले का वह साथी है और बुरे काम करने वाले का वही दुश्मन है। उसने तुम्हारी ओर से असुरों का विनाश किया है। तुम सबको एक दिखावटी बहाने थे। उसकी इच्छा के बिना कोई चींटी की टांग भी नहीं टेढ़ी कर सकता है। अग्नि और वायु ने बहुत चाहा कि उस तिनके का कुछ बिगाड़ दें, मगर उसकी जब इच्छा नहीं थी तो वह क्या कर सकते थे। उसी ब्रह्म की महिमा से ही तुम्हारे शत्रु असुर का विनाश हुआ है, क्योंकि वे हमारे बुरे कामों में लगे रहते थे। मगर तुम लोग ने यह समझ लिया कि असुरों का विनाश हम सब ने किया है, और यही समझकर तुम सब में घोर अभिमान भी आ गया है। उस अभिमान को छोड़ दो, वही सब पापों की जड़ है। भगवान पाप से बड़ी घृणा करते हैं। वह किसी पाप करने वाले से घृणा करता है, बल्कि उसके अवगुणों से करता है। अवगुण को छोड़ देने पर पापी से पापी भी उसका भक्त बन जाता है। थोड़े में ही यही समझ लो कि इस संसार में वही सबसे बड़ा दयालु और सबसे बड़ा शक्तिशाली अपने अभिमान को छोड़ देने पर तुम सब पहले की तरह फिर से उसके प्रिय बन जाओगे। भागवती पार्वती की इन सीधी सादी बातों ने देवराज इंद्र पर अपना जादू फेर दिया। उनकी अभिमान से काली आत्मा इस उपदेश रूपी अमृत से धुलकर चमक उठी।
आंखों से कृतज्ञता के आंसू निकल पड़े और उसी से दिल की सारी जलन भी बाहर हो गई। माता के चरणों में गिरकर उन्होंने उसके बरदाई हाथों का कोमल और सुखदाई स्पर्श अनुभव किया। आखिरकार चिरकाल तक सुखी होने का पवित्र आशीर्वाद पाकर देवराज इंद्र अपनी सभा की ओर वापस लौटे। जगदम्बा पार्वती भी आशीर्वाद देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। देव सभा उत्सुक आंखों से कब से इंद्र की राह देख रही थी। इंद्र के पहुंचते ही सब देवता उठकर खड़े हो गए। उसमें प्रसन्नता और शांति से इंद्र का तेज कई गुना अधिक हो गया था। ब्रह्म के निर्मल प्रकाश में संसार के सब तत्व स्पष्ट हो रहे थे। कोई गांठ उनके दिल में नहीं रह गई थी और न कोई आशंका की सिहरन थी। इशारे से सबको अपने अपने आसनों पर बैठने का आदेश देकर वह अपने रत्न जटित सिंहासन पर शोभायमान हो गए और सब देवताओं के बीच में सर्वप्रथम ब्रह्म का उपदेश किया। इंद्र के उपदेश रूपी अमृत से अग्नि और वायु की कलुषित और ममूर्ष आत्मा भी हरी भरी हो गई और ब्रह्म रस के अद्भुत संचार से उनकी पूर्व शक्ति फिर वापस आ गई। सारे देवताओं की दूषित भावनाएं सदा के लिए दब गई। सब लोग नए सिरे से जन्म पाने के समान सुखदायी जीवन का अनुभव करने लगे। अब सचमुच विजयी देवता बन गए थे क्योंकि उनके भीतर शत्रु घमंड रूपी असुर की सदा के लिए मृत्यु हो गई थी। यह कहानी जो है केन उपनिषद के आधार पर दी गई है। आशा करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा।